मैं हूं मदबर खान, आपका अपने चैनल सोच बदलो में के पर वेलकम करता हूं। आज की वीडियो रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने के बारे में है। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किसी भी रूबिक्स क्यूब को कैसे आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये है कि वीडियो को आपने पूरा देखना है, इसको आपने स्किप करके या आगे करके नहीं देखना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी या आपसे कोई स्टेप रह जाएगा तो आप इसको सॉल्व करने के काबिल नहीं होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये गुजारिश है आपसे कि आप चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में भी आपको इसी तरह के एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स का इंफॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो तो आपने लाइक कर ही दिए, तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने रूबिक्स क्यूब के इंटरफेस पर आ चुके हैं, और अगर के आप इस रूबिक्स क्यूब को पहली दफ़ा सॉल्व कर रहे हैं या आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपने रूबिक्स क्यूब को पकड़ना, यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए जब आप इसको हाथों में उठाते हैं तो आपने सबसे पहले इसको इस तरह से होल्ड कर लेना है कि आपके जो दो थंब्स हैं आपके पास इस तरह से सामने हों और आपके पास जो तीन आपकी उंगलियाँ वो पीछे हों। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अगर आप इसको इस तरह से होल्ड कर लेंगे और इस तरह से घुमाएंगे तो आपके पास वो सॉल्व नहीं हो सकता। तो आपको इस तरह से पकड़ना है कि ये जो है आपकी जो दो थंब्स हैं सामने हों और आपकी जो बाकी तीन उंगलियाँ वो पीछे हों। इसके बाद आपको इसके जो ब्लॉक्स हैं, ये जो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो ज़रूरी बातें वो मैं आपको थोड़ी सी बता दूँ। इसमें जो आपके पास जो सेंटर वाले कलर्स हैं, लेट्स से ये ब्लू है, ये वाइट है, ये रेड है, और इस तरह बाकी जो सेंटर है वाले कलर हैं, ये जो ब्लॉक होंगे सेंटर वाले, ये कभी भी अपनी प्लेस को, अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये कि जो रोटेट, जितनी भी रोटेशन आप दे दें, ये सेंटर वाले जो ब्लॉक हैं ये अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे। तो आपने जब इसको सॉल्व करना है तो आपने एक जो सेंटर कलर है उसका इंतखाब कर लेना है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके लिए जो पहला स्टेप है वो बनाना आसान हो जाएगा। लेट्स से कि मैं अगर बनाना चाहता हूँ तो मैं अपनी चॉइस के मुताबिक ये वाइट कलर जो है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब जब मैं ये वाइट कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इसके बाद मुझे करना ये है कि ये जो साइड पे जो कलर आ रहे हैं, येलो ग्रीन और ऑरेंज, ये मुझे वाइट करने हैं, और ये इस तरह से मेरे पास ये प्लस बन जाएगा। तो पहले स्टेप में जो पहली लेयर मुझे सॉल्व करनी है उसके लिए मुझे ये प्लस बनाना होगा। याद रखिएगा, रूबिक्स क्यूब कभी भी इस तरह से नहीं बनता। एक मिथ है जो लोग कहते हैं कि हम एक फेस बना लेंगे और ये बाकी सारा बन जाएगा, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सिंपल ये करना है कि ये कलर वाइट करना है, ये वाइट, और उसके बाद फिर ये साइड वाले वाइट करने के बाद आपके पास ये पहली लेयर जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो पहली लेयर बनाना होगा, फिर उसके बाद हम ये सेकेंड लेयर बनाएंगे, ये जो सेकेंड में आ रही है, मतलब ये इस तरह से ये सेकेंड लेयर जब हम बना लेंगे उसके बाद फिर हम जो है ये थर्ड लेयर बना लेंगे। पहली लेयर बनाना आसान होती है, सेकेंड लेयर बनाना भी आसान होती है, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट और सेकेंड लेयर है ये तो आप आसानी से बना लेंगे। जो थर्ड लेयर है वो थोड़ी सी, मतलब कि कम्प्लेक्स कह सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा जो है मुश्किल हो सकती है, लेकिन वो ये है कि अगर आप एक एक स्टेप जो वीडियो में बताए जाएंगे आपने उनको स्किप नहीं करना, उनको आपने फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आप उसको आसानी से बना देंगे। ठीक हो गया। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं और हम इसके जो कलर्स हैं उसको हम सेम करते हैं। तो ओके गाइज, अगर कि मुझे प्लस बनाना है और प्लस बनाने के लिए मैंने ये वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया है, तो इस यहाँ पर वाइट लाने के लिए, यहाँ पर और यहाँ पर वाइट लाने के लिए मुझे ये करना है कि सबसे पहले मुझे ये जो साइड वाली लेयर्स हैं इनके यहाँ पर वाइट कलर्स देखने हैं कि यहाँ पर वाइट कलर्स अगर होंगे तो मैं उनको सिंपल एक रोटेशन देकर इस तरह से वाइट यहाँ पर उसको प्लेस कर दूंगा। तो आपने सिंपल ये करना है कि आपने ये साइड वाले कॉर्नर्स पर वाइट देखने, लेट्स से मुझे एक वाइट कलर मिल गया है और मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ठीक हो गया। आप मज़ीद देख लें कि अगर आपके पास पहले स्टेप में अगर आपको वाइट मिल जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है, आप उसको सिंपल ऊपर लेके जा सकते हैं। इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, बस आपने ये देखना है आसानी के लिए कि आपके पास जो यहाँ पर जो आपके पास वाइट कलर होंगे, ठीक हो गया, वो आपने ऊपर लेके जाते जाना है। अब यहाँ पर आपके पास वाइट कलर, जितने आपके पास वाइट कलर बन सकते हैं आप बना लें, ये भी आपके पास क्या हो गया, वाइट कलर बन जाएंगे। अब आपने यहाँ के लिए देखना है वाइट कलर, आप देख लें तो वाइट कलर जो है आपके पास नहीं आ रहा। अब आपने क्या करना है, ऐसे केस में आपके पास अगर कि वाइट कलर नहीं आ रहा तो आपने फिर यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर आप देख लें ऊपर वाली लेयर्स में, साइड सेंटर में देख लें, क्योंकि ये इस सेंटर का हो सकता है, इस लेयर के सेंटर में, यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर आपने
यहाँ पर आ रहा है आपके पास, तो अब ये कलर आपने ऊपर कैसे लेके जाना है। तो इसके लिए आपने आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि लेट से आप इसको एक रोटेशन इस तरह से दे दें, मतलब कि आपने क्लॉकवाइज दे दी रोटेशन, ठीक हो गया। और उसके बाद आप इसको मतलब कि ये कलर जो है ये आपने यहाँ पर प्लेस करना है, तो इस पूरी जो लेयर है इसको आप इसके यहाँ पर सेट कर देंगे। मतलब हमारा टारगेट जो है वो ये होगा कि हमने इस वाइट कलर को यहाँ पर लेके आना है। तो उसके लिए आपने सिंपल मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ कि आपने ये जो वाइट कलर है इसको पूरी इस दो लेयर्स को आपने इस तरह से मूव कर दिया, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। एंड देन इसको मज़ीद ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास प्लस बन जाएगा। अब आपके पास जब प्लस बन जाएगा तो आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने ये वाइट के साथ वाले कलर्स देखने हैं कि वाइट के साथ वाले कलर कौन से हैं। लेट से वाइट के साथ वाला कलर जो है आपके पास ये ब्लू आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इस ब्लू को ब्लू के साथ सेम करना होगा, इस ग्रीन को यहाँ पर ग्रीन के साथ सेम करना होगा, ये ऑरेंज ऑरेंज सेम है, इसी तरह आपने बाकी भी सेम करने होंगे। तो सबसे पहले आप ये जब आपने इसको करना होगा तो आपने जिस कलर को सेम करना है, फॉर एग्जांपल ये रेड को सेम करना है, तो आप इसको फुल मतलब ये ऊपर इस तरह से था, आप इसको फुल रोटेशन देके नीचे ले जाएंगे। जब आप इसको ले जाएंगे फुल रोटेशन देके तो आपके पास ये नीचे आ गया। अब ये जो नीचे वाली लेयर है आप इसको उस रीजन में ले जाएं जहाँ पर ये रेड कलर आ रहा है। जब ये रेड रेड आपके पास सेम हो जाएंगे तो आपने दोबारा क्या करना है कि ये वाइट कलर है, आपने दोबारा वो फुल रोटेशन देकर इसको ऊपर ले जाना है, ठीक हो गया। ये रेड कलर हो गया सेम। अब आपने जब फुल रोटेशन दी थी, जो ख़राब कलर होगा यानी कि जो आपके पास ब्लू कलर जो ऊपर नहीं सेम आ रहा था, चेंज हो रहा था, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वाइट के साथ नीचे आ चुका है। तो आपने क्या करना है, इस ब्लू को ब्लू के रीजन में लेके जाना है, तो ये ब्लू ब्लू सेम हो जाएगा। आपने इस वाइट को ऊपर लेके जाना होगा, तो ऊपर लेके जाने के लिए आपको फुल रोटेशन देनी होगी। फुल रोटेशन दे देंगे आप। अब आप जिस वक्त फुल रोटेशन देंगे तो आपके पास जो है ये ग्रीन के साथ जो है ये वाइट आपके पास नीचे आ जाएगा। अब आपने ये करना है कि ग्रीन को ग्रीन वाले रीजन में लेके जाना है, ठीक है, और उसको भी आपने इसी तरह फुल रोटेशन देनी है, वो भी ऊपर जाकर सेम हो जाएगा। आपके पास ये सेम हो गया। अब हम देखेंगे कि इस ये जो है कलर येलो है, तो हमारा येलो के साथ कोई काम नहीं है, तो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर, रेड ब्लू और आपके पास ऑरेंज जो है, सारे सेम हो चुके हैं। तो ये हमारा जो एक पहले प्लस बनाने के बाद जो स्टेप आता है, मतलब कि हमने जो सेंटर के कलर जो इस वाइट के साथ ऑरेंज था उसको सेम करना था, ग्रीन को सेम करना था, रेड को सेम करना था और ब्लू को सेम करना था, जो कि अब हम कर चुके हैं। अब हमारा जो अगला टारगेट है यानी कि अगला स्टेप है वो ये है कि अब हमने इस ग्रीन को और इस ब्लू को आपने वाइट करना है। तो उसको वाइट करने के लिए आपने ये कॉर्नर्स के यानी कि जो आपके पास यहाँ के कलर्स आ रहे हैं आपने यहाँ देखने होंगे। पहले सबसे पहले आपने नीचे की लेयर में आ जाना है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इस यहाँ पर वाइट लाना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले नीचे लेयर देखनी होगी। तो ये वाइट कलर मुझे नीचे लेयर में नज़र आ रहा है। इसको मैं आपको आसानी समझाने के लिए कह देता हूँ कि जो आपको कलर यहाँ पर नीचे लेयर में मिल जाता है सामने, तो वो आपके लिए जो है वो आज़ाद है यानी कि फ्री है। जो आपको यहाँ पर ऊपर वाली लेयर में आपको मिले या आपको नीचे वाली लेयर में मिले, वो आपके लिए कैद तस्वर होगा यानी कि वो आपके लिए बंद है। तो पहले जो आज़ाद है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, और जो बाकी बंद है उसके लिए हम बाद में देखेंगे। तो आपने क्या करना है, ऑरेंज ये जो वाइट कलर है आपने अगर कि इसको पुट करना होगा ऊपर, तो आपने इसके साथ कलर देखना होगा कि इसके साथ कलर हमारे पास क्या आ रहा है। अब ये जो वाइट है इसके साथ ये ऑरेंज कलर आ रहा है, और ये ऑरेंज आपस में क्या है, सेम है। फॉर एग्जांपल अगर ये वाइट कलर इस तरह से होता, ठीक है, और ये जो ऑरेंज कलर है ये हमारे पास इस तरह से आता, तो हमने इस वाइट के साथ जो ऑरेंज आ रहा है इसको ऑरेंज के रीजन में लेके जाना था। मतलब ये कि आपने ऑरेंज के रीजन में जिस वक्त आप लेके जाएंगे तो ये ऑरेंज क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो फिर आपने इसको पुट करना होगा। तो मतलब ये कि ये जो पीस है ये यहाँ पर पुट होगा। शुरू में मैं आपको इतनी तफसील से इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको कहीं बाद में कोई मसला आता है तो आप उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। तो ये आपने अब ये करना है कि ये जो वाइट है ये यहाँ पर आपने पुट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कि आप लेफ्ट साइड पर पुट करना चाहते हैं किसी पीस को, तो आपने उसको नीचे वाली लेयर को राइट पर घुमाना होगा। दोबारा सुन लें कि पहले नंबर पर मैंने ये वाइट कलर ढूंढा, उसके साथ मैंने कलर देखा, तो कलर वो जो सात कलर था ऑरेंज, उसको सेंटर वाले ऑरेंज के साथ मैच किया, ठीक हो गया, मैंने आपको वो भी बता दिया। उसके बाद अगर कि आपने इस वाइट को यहाँ पर यानी कि इस जगह पर पुट करना है लेफ्ट साइड पर, तो
तो आपने इस नीचे वाली लेयर को राइट पर लेके जाना होगा, यानी कि सीधी साइड पर आपने सिर्फ इसको मूव करना होगा, और जहां पर पुट करना है उस लेयर को नीचे लाएंगे, ठीक है, डाउनवर्ड लेके आएंगे, और उसके बाद वापस इसको जगह पर लेके जाकर फिट कर देंगे। तो वापस ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास इस तरह से प्लेस हो चुका होगा, ठीक हो गया। और ये जो ब्लू ब्लू है और ये ऑरेंज ऑरेंज है, इनकी सिमेट्री भी चेंज नहीं होगी। अब जो बंद कलर्स हैं, मतलब मेरे पास ये कलर जो है ये बंद है, तो इसको मैंने सबसे पहले आज़ाद करना है, और इसको यहाँ पर नीचे वाली लेयर में, ये जो नीचे वाली लेयर मेरे पास आ रही है इसमें मैं इसको लेके आऊँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, लेट से ये मेरे पास सामने वाला, ये जो सामने वाला वाइट है ये मेरे पास बंद है और ये डायरेक्ट पुट नहीं हो सकता। तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे इसको ये पूरी के पूरी जो सामने मुझे फेज़ नज़र आ रहा है, ठीक है, ये मेरे पास वाइट था और ये जो सामने फेज़ नज़र आ रहा है इसको मैं नीचे लेके आऊँगा, ठीक हो गया। नीचे लेके आने के बाद सिर्फ वही लेयर जिसमें वाइट कलर है उसको आपने इस तरह से रोटेट करना है, और बाकी लेयर को, बाकी जो फेज़ है उसको वापस ऊपर ले जाएंगे। ये इस तरह से फिर मेरे पास जो ये वाइट कलर है ये नीचे की लेयर में आ जाएगा। अब ये दूसरा कलर जो है ये ऑटोमेटिकली आपके पास ये आज़ाद हो चुका है, यानी कि फ्री हो चुका है। अब आपने ये करना है कि इसके साथ वाला जो कलर है, यानी कि रेड कलर है, ये आपने देखना है, यानी कि इसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो ढूंढनी है, मतलब कि कलर की ढूंढनी, आप इसको इसके रीजन में ले जाएंगे, ठीक है। मतलब ये कि ये आपके पास जो है ये रेड और रेड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब ये मैंने क्या किया कि आपको जब भी आपने ये वाइट कलर है आपने उसके साथ वाला कलर देखना है और उसको उसके रीजन में लेके जाना है, तो ये रेड रेड क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो जब आपने इसको राइट साइड पर पुट करना है तो आपने नीचे वाली लेयर को आपने इस तरह से उसके ऑपोजिट लेके जाना है। मतलब ये कि आपने ये जो ये वाइट कलर आपने इस जगह पर प्लेस करना है, राइट साइड पर प्लेस करना है, तो आपने इसको उसके ऑपोजिट लेके जाना है, और ये जो लेयर है ये आपने डाउनवर्ड लेके आनी है जिस जगह पर आपने पुट करना है। तो जब आप इसको वापस लेके आएंगे, ठीक है, यानी कि जिस लेयर को मैंने इस तरह रखा हुआ हाथ, इसको आप वापस लेके आएंगे और वापस ऊपर ले जाएं, तो ये हमारे पास इस तरह से प्लेस हो चुका है। अब आपने ये अगले वाइट के लिए भी ये करना है कि वाइट के साथ कलर देखना है, वाइट के साथ कलर देखना है, वो हमारे पास ग्रीन आ रहा है, तो आप इसको ग्रीन के रीजन में ले जाएं। ग्रीन का रीजन हमारे पास ये आ रहा है, ये ग्रीन और ये ग्रीन सेम है। अब आपने ये करना है कि अगर कि आपने इसको ये वाइट को लेफ्ट साइड पर पुट करना है, ठीक हो गया, तो आपने नीचे वाली जो लेयर है इसको आपने इस तरह से ऑपोजिट रोटेट करना है। मतलब ये कि ये जो लेयर है ये हमारे पास जो ये पीस लेफ्ट साइड का है, तो आपने नीचे लेयर को राइट पर लेके जाएंगे, और ये जो लेयर है इसको आपने डाउनवर्ड मूव करना है। जिस जगह पर आपने पुट करना होगा वो आपने डाउनवर्ड लेके आनी है, और उसके बाद आपने ये कलर जो लेयर आप पीछे लेके गए थे आप इसको वापस लेके आएंगे, और जो जिस जगह पर पुट हो चुका होगा आपने इसको ऊपर ले जाना है। तो ये इस तरह से हमारे पास ये जो वाइट कलर है ये फिक्स हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास वाइट कलर रह गया है वो हमारे पास ये रह गया है। अब आपने जो इसके साथ कलर है वो हमारे पास रेड आ रहा है, ठीक है, आप इसको रेड वाले रीजन में लेके आएँ, तो ये रेड और ये रेड क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद आपने ये लेफ्ट साइड पर पुट करना है, तो नीचे वाली लेयर जिसमें वाइट कलर है उसको राइट पर ले जाएंगे, और जिस जगह पर पुट करना है, जिस लेयर में पुट करना है आपने उसको उस साइड को नीचे लेके आए, और वाइट कलर जो हम यहाँ पर लेके आए हुए इसको वापस लाकर और ये ऊपर ले जाएंगे। अब इस केस में आपके पास जो है ये मेरे पास पहली लेयर बन चुकी है। इसमें मैंने आपको ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ज़्यादा कंफ्यूज कर नहीं किया, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ आप इसको इस तरह से ही बना सकते हैं कि लेफ्ट और राइट और डाउनवर्ड अपवर्ड आप इसको समझ के भी सीख सकते हैं। तो ये आपके पास जो है पहली लेयर और ये एक फेज़ कंप्लीट बन चुका है। तो आपका रूबिक्स क्यूब का जो मेन फर्स्ट स्टेप है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो ओके गाइस, जब हमने अपनी फर्स्ट लेयर बना ली है, उसके बाद हमारी जो सेकंड लेयर है उसको सॉल्व करने के लिए हमें ये करना होगा कि हमें जो ये कॉर्नर्स हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करना होगा। अब हमें ये देखना है कि जो कलर्स पहले से सेम हैं उनको हम नहीं करेंगे, मतलब कि ये इसके साथ ब्लू ब्लू के साथ और ऑरेंज ऑरेंज के साथ सेम होगा। अब ये देखें, ये ऑरेंज ऑरेंज सेम है और यहाँ पर येलो आ रहा है, तो अब यहाँ पर सेकंड लेयर में कोई भी कलर सेम नहीं आ रहा, तो उसको सॉल्व करने के लिए आसान तरीका है, मतलब कहने का ये है कि आप जिस वक्त इसको सॉल्व करते हैं तो आपने जो मैं स्टेप बताऊँगा आपने वो स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना होगा। अब यहाँ पर ये करना है कि आपने लेट से कि फॉर एग्जांपल मैं इस कॉर्नर को सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मुझे ये जो कलर है, मतलब यहाँ पर ग्रीन के साथ ग्रीन पहले चाहिए, और साइड पर जो कलर होगा यानी कि रेड आ रहा है, तो उसके जो नीचे है वो मुझे क्या चाहिए,
रेड चाहिए, मतलब ये कि यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए और यहाँ पर रेड होना चाहिए। तो मैं तीसरी लेयर में ढूंढूंगा कि मेरे पास रेड कलर कहाँ पर आ रहा है। मैं इसको यहाँ पर रोटेशन देता रहता हूँ और जहाँ पर ग्रीन आ गया मैं उसको रोक दूंगा। अब देखें मेरे पास यहाँ पर ग्रीन ग्रीन आ चुका है, यानी कि ये सेम है, और इसके नीचे जो है ये मेरे पास रेड कलर आ रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि मैं इसको, इस ग्रीन को यहाँ पर प्लेस कैसे करूँ, मतलब ये कि इस पीस को मैं कैसे प्लेस करूँ। तो अगर कि मुझे इस ग्रीन और रेड को इस तरह से प्लेस करना है कि ग्रीन इसके साथ आ जाए और रेड इसके साथ आ जाए, तो उसके लिए मुझे ये करना होगा कि अगर कि मैं इस पीस को लेफ़्ट साइड पर प्लेस करना चाहता हूँ तो मुझे ये करना होगा कि इस जो नीचे वाली लेयर है उसके ऑपोजिट घुमानी होगी। मतलब कि लेफ़्ट साइड पर प्लेस करना है तो राइट साइड पर मैंने घुमा दिया, और जो ये ऊपर वाली जो लेफ़्ट साइड वाली लेयर है उसको मैं डाउनवर्ड ले आऊँगा। ठीक है, मतलब ये दोबारा देख लें कि ये जो नीचे वाली लेयर है इसको मैंने राइट साइड पर, लेफ़्ट पर पुट करना है तो राइट साइड पर ले गया, और ये जो है ये मैं इस लेयर को डाउनवर्ड ले आऊँगा। अब लेके आने के बाद जो है मैंने क्या करना है कि इस लेयर को, यानी कि जिस लेयर को मैं लेके गया था वापस ले आना है। ठीक हो गया, लेके आ गया, और इसको वापस अपनी जगह पर ऊपर लेके चले जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे पास सही होने की बजाय जो है ये कलर ख़राब हो चुका है, ये क्या माजरा है। तो इसका जो जवाब है वो सिंपल ये है कि आपने इस कलर को ऊपर पहुंचाने के लिए आपने ये ख़ुद ख़राब की है, और आपके पास जो ये वाइट कलर है ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। अब आपने इस वाइट कलर को जब आप ऊपर पुट करेंगे तो आपके पास जो मैं ग्रीन और रेड की बात कर रहा था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। अब क्या करना है कि इस वाइट को अगर कि मैंने यहाँ पर पुट करना है राइट साइड पर, तो मुझे इस नीचे वाली लेयर को इसके लेफ़्ट साइड पर लेके जाना है, और इस जो लेयर है जहाँ पर पुट करना है उसको डाउनवर्ड लेके आना है। जो फर्स्ट लेयर का मैंने आपको स्टेप बताया था ये बिल्कुल वही स्टेप लगा रहे हैं हम, और ये जो है ये वापस लेके आएंगे तो ये मेरे पास इस तरह से ऊपर फिक्स हो जाएगा। जैसे ये फिक्स होगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेड है ये रेड के साथ और ये ग्रीन ग्रीन के साथ यहाँ पर फिक्स हो चुका है। इसी तरह अब आप मज़ीद देख लें कि यहाँ पर मेरे पास जो कलर है, लेट से मेरे पास ये ब्लू है, तो मैं इस ब्लू को ब्लू के साथ रीजन में ले जाऊँगा। अब ब्लू के नीचे जो कलर आ रहा है वो देखना है मुझे, वो मेरे पास कलर है वो मेरे पास ऑरेंज आ रहा है। अब इस ऑरेंज को मैंने इस ऑरेंज के साथ मैच करना है, तो इस ब्लू को इस ब्लू के साथ मैच करना है। तो उसके लिए मतलब ये कि ये पीस जो है ये इस तरह से लगेगा लेफ़्ट साइड पर, यानी कि इस साइड पर लगेगा। तो जब लेफ़्ट साइड पर लगेगा तो आपने वही वाला काम करना है कि नीचे लेयर को राइट साइड पर ले गए आप, और ये जो साइड वाली लेयर है लेफ़्ट साइड वाली लेयर इसको आप डाउनवर्ड लाकर वापस जो लेयर आप नीचे राइट साइड पर लेके गए थे उसको वापस फिक्स कर देना, और इसको दोबारा ऊपर अपवर्ड ले जाएंगे। जब आप इसको अपवर्ड ले जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर उसी तरह पीस ख़राब हो जाएगा, कॉर्नर पीस। अब यहाँ पर जब आप इसको फिक्स करेंगे, ठीक है, यानी कि ये जो ये वाइट कलर है इसको अपनी जगह पर प्लेस करेंगे, तो आपके पास जो ये कलर होगा ये भी सेम हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, नीचे लेयर ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड पर पुट करना है आपने, तो नीचे लेयर को आपने लेफ़्ट साइड पर लेकर जाना है। जब आप इसको ले जाएंगे तो ये जो राइट साइड वाली लेयर है इसको आप डाउनवर्ड लेके आएँ, और उसके बाद आप इसको वापस अपनी जगह पर लेके आएँ और ऊपर ले जाएंगे, तो आपके पास जो है ये फर्स्ट लेयर भी ठीक हो जाएगी, और ये जो कलर था ये भी यहाँ पर फुट हो जाएगा। तो इसी तरह अब हमने बाकी कलर्स को भी करते जाना है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ब्लू कलर आ रहा है, ठीक हो गया। इस ब्लू को मैं ब्लू वाले रीजन में ले जाता हूँ। अब ब्लू वाले रीजन में लेके जाने के बाद ये ब्लू ब्लू सेम हो गया, और इसके साथ जो नीचे कलर है वो मेरे पास रेड आ रहा है। मतलब ये कि अब आपने इस, ये जो कलर है ये ब्लू यहाँ पर आएगा और ये रेड के साथ जो है ये रेड जो है ये यहाँ पर आकर जगह ले लेगा, तो ये मेरे पास पीस जो है इस तरह फिक्स हो जाएगा। अब क्या करना है आपने कि अगर के इस कलर, इस पीस को आपने यहाँ पर लेके आना है राइट साइड पर, तो आपने नीचे लेयर को लेफ़्ट साइड पर लेके जाना है, ठीक हो गया। फर्स्ट नंबर पे जो नीचे लेयर है आपने उसके राइट साइड के अपोजिट लेफ़्ट होता है, तो हमने उसको लेफ़्ट पर ले गए, और जो आपके पास जो साइड आ रही है इसको आपने डाउनवर्ड लेके आना है। डाउनवर्ड लेके आने के बाद जो है आपने क्या करना है कि वापस जो आप जो लेयर लेके गए थे उसको आप ले आएंगे, और ये जो साइड है इसको ऊपर लेके जाकर वही काम है, यानी कि जो हमने पिछले दो दफ़ा कर लिया कि ये जो कॉर्नर पीस है ये ख़राब हो जाएगा, और इसके जो वाइट कलर है ये नीचे आ चुका है। अब आपने ये करना है कि ये जो वाइट है, ठीक है, ये वाइट ऊपर वापस लेके जाएंगे तो वो कलर ऑटोमेटिकली पुट हो जाएगा। तो मतलब ये कि ये वाइट कलर जो है ये लेफ़्ट पर पुट करना है, तो इसको मुझे राइट पर लेके जाना होगा, और ये जो लेयर है ये
डाउनवर्ड लेके आकर वापस जब मैं लेके आऊँगा और फिर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो मेरे पास जो है ये कलर यहाँ पर इस तरह से पुट हो चुका है। अब मैं मज़ीद देख सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक कलर रह गया है, मतलब कि ये एक पीस रह गया ऑरेंज और ग्रीन, और मैंने नीचे लेयर में देखना है कि ये जो ग्रीन है ये ग्रीन के साथ मैंने मैच किया और ऑरेंज कलर यहाँ पर था, यानी कि ये पीस मेरे पास आगे था तो मैं इसको पीछे लेके आ चुका हूँ। अब आपने ये करना है कि इस पीस को आपने जब आपने राइट पर पुट करना है तो आप नीचे लेयर को लेफ़्ट पर लेके जाएंगे, ठीक हो गया, और जहाँ पर आपने पुट करना है उस लेयर को आपने नीचे लेके आकर जो लेयर हम जो आगे लेके गए थे वापस लेके आए और इसको हमने अपवर्ड ले जाना है, ठीक हो गया। तो वही काम हुआ कि ये हमारे पास कॉर्नर पीस ख़राब हो चुका है। अब इस कॉर्नर पीस को आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से मतलब के ऊपर वापस पुट करेंगे तो वो हमारे पास जो ये साइड वाला कलर है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर पुट हो जाएगा। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसको राइट साइड पर ले गया नीचे लेयर को, जो पहली स्टेप का काम था, ये लेफ़्ट साइड डाउनवर्ड ये फिक्स किया और ये मेरे पास अपवर्ड हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो है इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये रेड सारे सेम हो चुके हैं, ब्लू, ऑरेंज और मेरे पास ग्रीन, और ये जो पहला फेज़ है ये मेरे पास बिल्कुल इसी तरह सेम हो चुका है। जब हम अपनी दो लेयर्स और ये फेज़ बना लेते हैं उसके बाद फिर हम जब अपनी थर्ड लेयर पर आते हैं तो थर्ड लेयर जो है ये बनाना जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हमें करना ये है, सबसे पहले इस बात को समझ लें, गौर से देखें कि यहाँ पर भी हमें वही प्लस बनाना होगा। ये सेंटर में आप येलो देख रहे हैं कलर। अब लेट्स से कि मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मैं जब यहाँ पर पहुँचा तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक येलो कलर मतलब के सेंटर में मिल रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर जब आप बना कर पहुँचेंगे, मुझे नहीं पता कि आप जब बनाएंगे तो आपके रूबिक्स क्यूब की क्या अरेंजमेंट थी, जब आप पहुँचेंगे तो आपके पास जितने भी केसेज हैं मैं वो आपको दिखा देता हूँ। यानी कि मैं आपको एक अगर एक पेपर पर दिखाऊँ तो वो आपके पास मतलब कि ये सिंगल ब्लॉक हो सकता है या ये आपके पास इस तरह से एल शेप हो सकता है, वो आपके वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर कि कैसे आपने उसको अपने सामने रखा है। मैंने एरो हेड इसलिए लगाया हुआ है कि आप उसको अपने सामने इस तरह सामने से पकड़ेंगे, या फिर आपके पास ये तीन ब्लॉक जो हैं वो इस तरह सेंटर में आ सकते हैं। तो आपको जो भी कंडीशन है आपने जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा वो आपने लगाने होंगे। मतलब कहने का ये है कि आपके पास अगर कि सेंटर में एक कलर आ रहा है और साइड पर यहाँ पर या यहाँ पर एक कलर इसके साथ आ जाता तो वो भी आपके पास सिंगल ही ये वाला केस ही कंसिडर होगा, वो भी आपके पास कोई डिफरेंट केस कंसिडर नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसके लिए सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि लगा के दिखा रहा हूँ, आपको नज़र भी आ रहे हैं सामने, आपने नज़र भी आ जाएंगे साइड में, मैं आपको दिखा दूंगा। तो आपने क्या करना है कि सबसे जो फ्रंट फेज है मतलब कि जो फ्रंट आपके सामने वाली साइड है आपने उसको इस तरह से पकड़ लिया और इसको आपने एक बार क्लॉक वाइज रोटेट करना है। फ्रंट फेज क्लॉक वाइज एक दफ़ा, राइट साइड क्लॉक वाइज एक दफ़ा, फिर अपर साइड क्लॉक वाइज एक दफ़ा, और उसके बाद फिर राइट साइड जो है वो एंटी क्लॉक वाइज एक दफ़ा, और अपर साइड एंटी क्लॉक वाइज एक दफ़ा, और जो फ्रंट फेस जो आपके पास ही था वो आपके पास जो आएगा इसी तरह एंटी क्लॉक वाइज आ जाएगा, ठीक हो गया। तो आपके पास ये अब ये उल्टा एल बन रहा है, मतलब ये कि आपके पास इस तरह से एल होता है, आप इंग्लिश में देखते हैं एल, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आपके पास एल इस तरह आता है, तो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो हमारे पास ये जो एल है ये उल्टा एल आ रहा है। तो आपने इसको अपने सामने इस तरह से रखना है। लेट्स से कि आपने दो लेयर्स बना ली तो आपके पास ये फेज भी आ सकता है, तो आपको अगर के वो सिंगल पीस वाला कंडीशन है तो आप तीन दफ़ा जब वो यही वाले स्टेप लगाएंगे जो मैंने आपको छः स्टेप्स बताए हैं तो आप लगाएंगे तो आपके पास जो है वो प्लस बन जाएगा। तो मैंने अभी एक दफ़ा लगाया तो मेरे पास ये आ गया। अब जब मैं दूसरी दफ़ा लगाता हूँ मतलब ये कि दोबारा से रिपीट करेंगे, फ्रंट फेस क्लॉकवाइज, ठीक है, राइट साइड क्लॉकवाइज, अपर साइड क्लॉकवाइज, राइट साइड जो है आपकी ये वाली, ठीक है, इसको फिर एंटी क्लॉकवाइज और अपर साइड एंटी क्लॉकवाइज, और जो आपके पास जो फ्रंट फेस था आपका वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये कि क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने लगा दी। तो जब आप इसको लगा लेंगे तो आपके पास ये तीन ब्लॉक्स जो हैं वो इस तरह से सेंटर में आ जाएंगे। अब आपने करना ये है, आपने ये करना है कि जो अपने रूबिक्स क्यूब को इस तरह से रखना है अपने सामने, मतलब ये कि इस तरह से नहीं रख के लगा सकते क्योंकि अगर इस तरह से लगाएंगे तो वो हमारे पास गलत हो जाएगा। आपने इसको इस तरह से रख लिया, उसके बाद फिर आपने फ्रंट फेस को इस तरह से क्लॉकवाइज, राइट साइड क्लॉकवाइज, और ये अपर साइड जो है क्लॉकवाइज, राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज, अपर साइड एंटी क्लॉकवाइज, और जो फ्रंट फेज है वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके पास आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास जो पहला टास्क है थर्ड लेयर का वो कंप्लीट हो चुका है कि आपने यहाँ पर उसको प्लस बना दिया। मेरे पास जो है वो ये कंडीशन आई थी
आपने ये सेंटर में था तो आपने उसको ये स्टेप लगाए, मतलब कि जो क्लॉकवाइज 3 दफ़ा, क्लॉकवाइज 2-3 दफ़ा, एंटी क्लॉकवाइज, साइड्स मैंने जो आपको बता दिए, तो आपने 3 दफ़ा जब लगाए तो आप उस इसको प्लस की कंडीशन पर लेके आ गए हो। अगर आपके पास ये कंडीशन आती है तो आपने इस तरह से अपने सामने पकड़ना होगा, मतलब कि ये एल को इस तरह, उल्टे एल को अपने सामने इस तरह से पकड़ना होगा और फिर आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना होगा। अगर आपके पास ये सेंटर के 3 आते हैं तो आपने इसको सॉल्व करना होगा, जो मैंने आपको स्टेप बता दें, तो आप एक ही स्टेप में प्लस तक पहुँचोगे। अगर आपके पास ये कंडीशन होती है तो आपने जो मैंने आपको ये 6 स्टेप बताए हैं वो आपने एक दफ़ा लगाने हैं। अगर आपके पास ये एल इस तरह से आ रहा है आपने 2 दफ़ा लगाने हैं, और अगर आपके पास सिंगल एक पीस आ रहा है तो आपने 3 दफ़ा लगाने हैं। तो आपने इसके जो प्लस है थर्ड ईयर का वो आप आसानी से बना लोगे। ठीक हो गया ना, तो ये आपका जो प्लस है ये अब इसका बन चुका है। तो ओके गाइस, अब मैं जब इसके ये कलर्स बना चुका हूँ, यानी कि प्लस बना चुका हूँ, और प्लस बनाने के बाद मुझे वही काम करना होगा जो मैंने फर्स्ट ईयर में किया था, कि मुझे अपने जो ये प्लस वाले कलर हैं, यानी कि जो कॉर्नर के जो कलर्स आ रहे हैं, ये येलो इसके साथ रेड आ रहा है, ये रेड रेड के साथ सेम होना चाहिए, ये येलो ब्लू ब्लू के साथ सेम होना चाहिए, और ये येलो यानी कि इसके ग्रीन ग्रीन के साथ सेम होना चाहिए, और इसकी इसी तरह ये ऑरेंज ऑरेंज के साथ सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास 2 कलर्स तो सेम है, बट ये जो ब्लू और रेड है ये सेम नहीं है, और ये रेड और ब्लू है ये भी मेरे पास सेम नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, जो मेरे पास लेट से ठीक है, यहाँ पर आपने अगर कि आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह से कोई लेयर आती है, बन जाती है, और उसके बाद आप इसको इस तरह से देखते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से आ जाता है, सबसे पहले आप रोटेट करके देखें कि सबसे पहले कौन से 2 कलर सेम आ रहे हैं। ठीक है, मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये सेम आ चुके हैं। तो मैंने क्या करना होगा कि मुझे यहाँ पर कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, और एक बात ज़रूरी ये भी सुन लें कि मेरे पास तो ये कलर और ये कलर आपस में सेम आ गए हैं। फॉर एग्जांपल ये इस तरह सेम आ जाते हैं कि ग्रीन यहाँ पर होता और ये रेड, ये ब्लू ब्लू, या ये इसी तरह आमने सामने जो है, ये एक कलर यहाँ पर सेम होता और एक कलर यहाँ पर सेम होता, तो तब भी मुझे इसी तरह ये जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा ये स्टेप लगाना होता यहाँ से राइट साइड से, तो उसके बाद फिर मेरे पास ये कंडीशन आ जाती जो कि मेरे पास पहले से आ रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑरेंज और ग्रीन जो है ये मेरे पास क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो मैंने इसको इस तरह से पकड़ लेना अपने सामने, ठीक हो गया। और मैं आपको जो स्टेप्स बता रहा हूँ वो आपने स्टेप्स अपने पास यहाँ पर अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि राइट साइड को एक दफ़ा क्लॉकवाइज, ठीक हो गया, अपर साइड को 2 बार एक दफ़ा, और उसके बाद दूसरी दफ़ा क्लॉकवाइज आपने रोटेट करना है, राइट साइड को एंटी क्लॉकवाइज, अपर साइड को फिर एंटी क्लॉकवाइज, राइट साइड को क्लॉकवाइज, अपर साइड को एंटी क्लॉकवाइज, और राइट साइड को फिर आप क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे। तो जिस वक्त आप करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से, मतलब कि आपके पास जो है ये कलर जो हैं ये सेम हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये फेस बन चुका है, लेकिन हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो ये कॉर्नर्स के कलर्स हैं ये हमारे पास अभी तक सेम नहीं हो रहे। ठीक हो गया, ये ना समझे कि हमारे पास रूबिक्स क्यूब बन चुका है, ये हमारे पास एक्चुअली ये है कि ये जो कॉर्नर्स के पीस हैं हमने इसको भी सॉल्व करना होगा। तो पहला स्टेप हमारे पास जो है थर्ड लेयर का वो ये है कि हमने प्लस बनाना है, उसके बाद फिर जो है ये, मतलब कि जो कॉर्नर, ये जो सेंटर के कलर्स हैं ये सेम करने हैं, और उसके बाद फिर हमने जाकर ये कॉर्नर्स को सॉल्व करना है। अब ओके गाइस, अब मैं कॉर्नर के कलर्स को अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास सिर्फ ये कॉर्नर का कलर है, मतलब कि ब्लू ब्लू के साथ, मतलब कि ये ब्लू के साथ सेम है, ये रेड है, और ये ऑरेंज जो है ये सॉरी ये येलो जो है ये यहाँ पर आ रहा है। अब मैं अगर इस कलर को देखता हूँ, फॉर एग्जांपल इस कलर को, इस पीस को देखता हूँ, तो यहाँ पर ये जो कलर हैं 3 कलर हैं ये मेरे पास पीस यहाँ का नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पीस हमारे पास कहाँ का है? अगर कि मेरे पास यहाँ पर कलर इस तरह से होता है कि यहाँ पर ये डिफरेंट कलर जो हैं ये इस तरह से होते हैं कि ग्रीन इस ये कॉर्नर के सेंटर के मैच सेंटर के ग्रीन के साथ क्या हो रहा है, मतलब कि ये इसी रीजन में लाई कर रहा है, मतलब कि ये जो पीस है, ये पीस इसका जो 3 कलर हैं वो इसके इसके और इसके कलर के साथ क्या होना चाहिए, मैच करनी चाहिए। अब ऑरेंज जो है वो यहाँ पर तीनों में नहीं आ रहा, ग्रीन तो आ रहा है और येलो भी आ रहा है, बट ये है कि ये ऑरेंज हमारे पास नहीं आ रहा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, ऑरेंज जो है इस ग्रीन के साथ, इस ऑरेंज के साथ मैच कर रहा है, इस ये जो ब्लू है ये यहाँ के ब्लू के साथ, यहाँ पर ब्लू है ही नहीं, तो मतलब ये कि ये जो पीस है ये यहाँ का नहीं है। अगर आप में से आप देखेंगे यहाँ पर तीनों में से एक कलर भी इनके रीजन में
ये तीन कलर के रीजन में मतलब कि मैच नहीं कर रहा, तो मतलब एक ये पीस जो है ये अपनी जगह पर गलत फिट हुआ हुआ है। इसी तरह फिर ये भी है, पर ये भी मेरे पास यहाँ पर मैच नहीं कर रहा, रेड तीनों रीजन में नहीं है, ग्रीन मेरे पास तीनों रीजन में नहीं है, एक येलो है जो यहाँ पर मैच कर रहा, तो मेरा यहाँ पर काम नहीं बना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये मेरे पास रेड रेड के साथ, ब्लू ब्लू के साथ और येलो येलो के साथ ऑटोमेटिकली पहले से फिक्स हुआ हुआ है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा? आपने ये देखना होगा कि सबसे पहले आपका कौन सा पीस बना हुआ है, मतलब कि कौन सा पीस ऐसा है जिसके कलर मैच कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर अब जो कलर है ये मेरे पास रेड रेड के साथ मैच कर रहा है, ब्लू ब्लू के साथ और ये येलो येलो के साथ। अगर ये बिलफर्ज इस तरह होता कि ये येलो कलर यहाँ पर होता, रेड कलर यहाँ पर होता, ब्लू कलर यहाँ पर होता, मतलब ये कि इसके साथ इस तरह फेज़ में ना भी आते, तो तब भी हम ये एक्सेप्ट कर लेते कि हमारे पास जो ये कलर है ये इनके रीजन के दरमियान में फिट हुआ हुआ है, तो फिर भी ठीक था। ये कन्फ्यूज़ नहीं होना कि अगर इनकी जो साइमेट्री इस तरह से ना होती तो हम क्या करते, तो आपने इस तरह से इसको कंसिडर नहीं करना। आपने इस तरह से करना है कि जस्ट आपने देखना ये होगा कि ये कलर जो है ये इनके रीजन्स में, मतलब कि तीनों रीजन्स में ढूंढो, अगर कि ये यहाँ से यहाँ पर होता तो भी कोई इशू नहीं था, ये यहाँ से यहाँ होता तब भी कोई इशू नहीं था। थोड़ी बातें थोड़ी लंबी हो रही हैं क्योंकि ये कंडीशन का सामना आपको होगा, ठीक है। तो जब आपको कंडीशंस का सामना होगा तो फिर आपको परेशानियां हो सकती हैं, तो इसलिए बेहतर ये है कि अभी आप इसको सही तरीके से समझ लें, ठीक हो गया। अगर के एक केस मेरे पास ये भी आ सकता था कि यहाँ पर कोई कलर ऐसा होता, कोई कलर भी जो मैच ना करता, मतलब कि कोई पीस से मेरे पास हैं, लेट्स से कि इस तरह ये जो तीन कलर्स मेरे पास आ रहे हैं ये ना इसके साथ मैच करता, ना इसके साथ, और ये जो तीन कलर हैं ये इसी तरह मेरे पास जो है ये भी लेट्स से होता, तो फिर आप कहीं पे भी इसको रख कर जो मैं अभी आपको स्टेप बताऊँगा वो आप लगा सकते थे, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि जो साइड पहले से बनी हुई है, ठीक है, मेरे पास बनी हुई है तो उसको मैंने राइट साइड पर करना है। अगर आपके पास कोई भी साइड नहीं बन रही तो पहले आप वो साइड एक कलर को बनाएं, ठीक हो गया, उसको अब फिर आप अपने राइट साइड पर रख लें। राइट साइड पर रखने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने लेफ्ट साइड को, मतलब कि एक दफ़ा अपर साइड को क्लॉक वाइज एक दफ़ा, राइट साइड को जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एक दफ़ा, अपर साइड को एंटी क्लॉक वाइज एक दफ़ा, लेफ़्ट साइड को जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो एक दफ़ा, ठीक हो गया, और अपर साइड को फिर आपने क्लॉकवाइज एक दफ़ा, राइट साइड को एंटी क्लॉकवाइज आपने एक दफ़ा, और जो अपर साइड है उसको फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज एक दफ़ा करना है, तो फिर आप देखेंगे कि हमारे पास जो कॉर्नर्स के कलर्स हैं उसकी सिमेट्री बदल चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो कलर है, देखें ये तो हमारे पास ब्लू वाला जो था ये अपनी जगह पर ही है, अब ग्रीन येलो और रेड, अब यहाँ पर जो अब ये पीस आ रहा है इसकी जो पोजीशन है वो इस तरह से है कि ये रेड इसके साथ, ये ग्रीन इसके साथ और ये येलो जो है इनके सेंटर में आ रहा है, मतलब कि ये जो पीस है ये वाला पीस है, ये पीस जो है ये तीन कलर्स के साथ इनकी सिमेट्री की अपनी इनकी सिमेट्री के साथ मैच कर रहे हैं और इनकी पोजीशन पर फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर इस पीस को देखते हैं, ये ग्रीन जो है इसके साथ, ये ऑरेंज इसके साथ और ये येलो जो है इसके साथ जो है ये मैच कर रहा है, सेंटर की कलर्स को आपने देखना है, ठीक है। ये इसी तरह येलो जो है येलो के साथ, ऑरेंज ऑरेंज के साथ और ब्लू ब्लू के साथ जो है मैचअप कर रहा है, मतलब ये कि लाजमी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इस तरह होता कि ये ब्लू ब्लू हो और ये येलो येलो हो और ये ऑरेंज ऑरेंज हो, लाजमी नहीं है, ठीक हो गया ना, लाजमी नहीं है ये बात। बस आपको ये सिर्फ ये कॉर्नर के पीसेज में ये आपके लिए कंडीशन होती है कि ये जो है ये हमारे पास इस तरह से आ सकता है कि आपने इसको इस तरह से कंसिडर करना होगा कि ये हमारे पास इनके सेंटर में तीन, ये ऑरेंज ब्लू और येलो के सेंटर में रखना होता है। मेजॉरिटी लोगों को कॉर्नर्स की ये कलर्स की प्रॉब्लम्स आती है, तो आपने इसको समझना है, इसको समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए ये आसान हो जाएगा। इसके बाद फिर हम जाएंगे अपने, मतलब कि ये कलर जो कि सॉल्व नहीं हुए, तो पहले पे हमने प्लस बनाया, उसके बाद फिर हमने ये जो है ये रेड रेड इनको सेम किया, ये जो सेंटर के कलर्स थे ग्रीन ग्रीन, ऑरेंज ऑरेंज, ब्लू ब्लू और इसके बाद रेड रेड, ये हमने सेम कर लिया। उसके बाद फिर मैंने ये कॉर्नर्स के कलर जो हैं इनको मैंने मतलब के अपनी जो जगह पर अपनी पोजीशंस पर फिट किया, पहला स्टेप प्लस, दूसरा स्टेप ये सेंटर जो है ये कलर सॉल्व करना, ठीक है, तीसरा स्टेप कॉर्नर्स। तो आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, हर
प्लस के लिए अपने स्टेप्स हैं, सेंटर के लिए अपने स्टेप्स हैं और ये कॉर्नर्स के लिए अपने स्टेप्स हैं। कोई स्टेप मिस नहीं करना, कोई स्टेप आगे पीछे नहीं करना। आपने स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आप अगर बिगिनर लेवल पर हैं तो आपके लिए ये सॉल्व करना आसान हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये इतने लंबी चौड़ी तकरीर करने के बाद, मुझे पता है कि आप थोड़े बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी, नहीं तो फिर आपसे नहीं बनेगा और फिर ये तो होगा और ये तो होगा तो फिर आप परेशान होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको अच्छे तरीके से सीख लें। सही हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपके पास ये इस तरह से बन चुका है, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से पकड़ ली, मैं इसको इस तरह से ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब आपने एक बहुत ज़रूरी मेरी बात सुननी है कि वो जो है ये आपने अब इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ तक जब ये बन जाता है ना तो लोग बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं कि अब हमने क्या करना है। यहाँ जब आपने ये बना लिया, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बना लिया, उसके बाद आपने इसको अपने सामने इस तरह से पकड़ना है कि ये जो कलर्स है ना, लेट्स से कि मेरे पास ये कलर भी कोई और कलर होता है एक्सेप्ट देन येलो कोई होता तो मैं आज़ाद था, फिर तो मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में पकड़ सकता था। लेकिन अब जो है मैं बाउंड हूँ, मतलब कि इसको फिर मुझे लेट से अगर ये कलर इस तरह आते, ठीक है, या ये कलर मेरे पास इस तरह से आ रहे हैं, मतलब ये तीन कलर, तो मैंने इस तरह से पकड़ने हैं कि ये जो कलर हैं जो अदर देन येलो हैं, मतलब कि येलो के बगैर कलर है, ये रेड है और ये ऑरेंज है, अपने सामने इस तरह डायगनली पकड़ना है कि ये जो है मेरे पास इस तरह से आए। आप इसको इस तरह से नहीं पकड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से बस हमने सिर्फ और सिर्फ ये कलर और ये कलर इसको इस तरह से देखना होगा। बस आपने जो येलो के बगैर कलर हैं उनको आपने इस तरह से पकड़ लिया, उसके बाद जो है आपने इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल इसको इस तरह से पकड़ना है, ठीक हो गया। मतलब ये यहाँ से इस तरह से डायगनली आपने इसको पकड़ना होगा। अब पकड़ कर आपने क्या करना है, आपने वो स्टेप लगाना है राइट साइड से स्टार्ट लेना है। आपने वो स्टेप लगाना है जो कि हमने ये जो सेंटर के कलर सेम करने के लिए लगाया था। अगर आपको याद हो वो स्टेप मेरे पास क्या था, वो स्टेप मेरे पास ये था, अगर मैं स्टार्ट लूँ, मैं राइट साइड से स्टार्ट ले रहा हूँ, मैंने हमेशा, और हाँ ज़रूरी बात ये कि आपने राइट साइड से स्टार्ट लेना होगा, ठीक है ना, आपने लेफ्ट से स्टार्ट ही लेना। आपने जब आप इसको डायगनली पकड़ लेंगे तो आपने इसको राइट साइड से ही स्टार्ट लेना होगा। अब जब मैं इसका स्टार्ट लेता हूँ तो मैं कैसे स्टार्ट लूँगा इसका, कि एक दफ़ा मैं जो मैंने पहले किया था राइट साइड को क्लॉकवाइज, अपर साइड को दो बार क्लॉकवाइज, राइट साइड को एंटी क्लॉकवाइज, अपर साइड को फिर एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज, राइट साइड को मैं क्लॉकवाइज, अपर साइड को एंटी क्लॉकवाइज और राइट साइड को फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा। मेरे पास हो गया। अब यहाँ पर जो है मुझे फिर लेफ़्ट साइड पर भी यही स्टेप लगाने, लेकिन इसके उल्टे हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं। वो आपने कैसे लगाने हैं, वो आपको इस तरह से लगाना है कि एक बार आपने लेफ़्ट साइड को, मतलब कि जो घड़ी की डायरेक्शन है वो इस तरफ होती है, मतलब इस तरह रोटेट करती है, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपने लेफ़्ट साइड को एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अपर साइड को दो बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक हो गया, लेफ़्ट साइड को आपने क्लॉकवाइज, अपर साइड को एक बार क्लॉकवाइज, लेफ़्ट साइड को एंटी क्लॉकवाइज, अपर साइड को फिर आपने क्लॉकवाइज और लेफ़्ट साइड को आपने फिर से क्लॉकवाइज घुमा लेना, तो आपके पास इस तरह से बन जाएगा, ठीक हो गया। आपने फिर इसको सीधा कर लेना है, मतलब कि इसी तरह डायरेक्शन में ले लेना है, ठीक हो गया। जब आप ले लेंगे उसके बाद फिर आपने इसको राइट साइड को क्लॉकवाइज एक दफ़ा, अपर साइड को दो दफ़ा क्लॉकवाइज और राइट साइड को फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज, अपर साइड को एंटी क्लॉकवाइज, राइट साइड को जो है आपने क्लॉकवाइज, अपर साइड को एंटी क्लॉकवाइज और फिर आपने जो राइट साइड है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेना है। लेफ्ट साइड से भी वही काम करेंगे कि आपने एंटी क्लॉकवाइज एक दफ़ा घुमा लिया, एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज, अपर साइड को, जब तक आपने ये स्टेप तब तक लगाते जाना है जो आपके पास जो है ये दो बार लगा लिया आपने, जब तक ये बन नहीं जाता, ठीक हो गया। लेफ़्ट साइड को क्लॉकवाइज, अपर साइड को क्लॉकवाइज, लेफ़्ट साइड को फिर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज, अपर साइड को आपने क्लॉकवाइज, लेफ़्ट साइड को आपने फिर से इसको क्लॉकवाइज घुमा लेना, ठीक हो गया। ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा। अब आपके पास ये लेट से कॉर्नर, मतलब कि इस तरह से आ गया ना, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जब आपके इस तरह से आ जाएगा इंटरफेस, तो दो कलर कॉर्नर में आ गए, आप इसको इस तरह से ले लेंगे, ठीक हो गया। तो वही आपके पास जो साइड से लगाते हैं हम, कि एक दफ़ा क्लॉकवाइज,
अपर साइड दो दफ़ा क्लॉकवाइज, राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज, अपर साइड एंटी क्लॉकवाइज, राइट साइड क्लॉकवाइज, अपर साइड एंटी क्लॉकवाइज और राइट साइड फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड से इसको एंटी क्लॉकवाइज लगा लें एक बार, ठीक है, अपर साइड को दो बार एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड को एक बार क्लॉकवाइज, अपर साइड को एक बार क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड को आपने एक बार एंटी क्लॉकवाइज और अपर साइड को क्लॉकवाइज और लेफ्ट साइड को फिर आपने दोबारा से क्लॉकवाइज कर लेना है। ये आपके पास बन जाएगा। अब तब तक ये रिपीट करते हैं प्रोसेस जब तक ये बन नहीं जाता, ठीक हो गया। इसको मैं क्लॉकवाइज दे गया, अपर साइड को दो बार क्लॉकवाइज, राइट साइड को मुझे एंटी क्लॉकवाइज और अपर साइड को फिर मुझे एंटी क्लॉकवाइज, राइट साइड को मुझे क्लॉकवाइज और अपर साइड को मुझे एंटी क्लॉकवाइज और राइट साइड को फिर मुझे एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर जो है वही सेम स्टेप है, तो आपने इसको इस तरह से लगा लेना है। अब आपको आई होप के समझ आ चुकी है, मैं जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है ये इसी तरह से बन गया है, ठीक है। लास्ट स्टेप मैंने जल्दी में लगा लिया, ठीक हो गया, क्योंकि मतलब कि आपको समझ तो आ गई होगी कि यहाँ से आपने स्टार्ट लेना, मतलब कि जो मैं आपको स्टेप्स जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आए थे वो स्टेप आपने अपने अपने जहन में बिठा लेने हैं, ठीक है। आपने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है कि जो तीसरी लेयर है ये अमूमन हर जो बिगिनर होता है उसके लिए प्रॉब्लम बनाती है, क्योंकि अगर कि आपकी एक मूवमेंट गलत हुई तो आपका तमाम का तमाम जो है ये गलत हो जाएगा। गाइस फिर आप इसको मतलब के सॉल्व करना तो सीख चुके हैं, और अगर आपने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है तो इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर बना लेंगे। और अगर कि आपको स्टिल किसी भी स्टेप में कोई मसला हो तो आप इस मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिस्पॉन्स कॉमेंट में कर दूँगा। बाकी ये है कि पेशेंस रखें और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैंने पहले भी बोला, आप प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर बना लेंगे आसानी के साथ, इतना मुश्किल ये नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में फिर हम इंशाल्लाह किसी टेक्निक पर या किसी एजुकेशनल इशू पर बात करेंगे, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।